Hey guys, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी हमें नई दिल्ली अक्षरधाम में, तो अभी हमारे साथ है मामा और सोनी भाई। हमें हाई कर दो लजा था अंदर का भैया। तो दोस्तों चलते हैं और आपको नज़ारा दिखाएंगे। अंदर तो फ़ोन अलाउ नहीं है, तो जहां तक हो सकेगा मैं कैप्चर करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अक्षरधाम में किसी भी प्रकार के कैमरा, मोबाइल फोन, अन्य किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा अन्य सामान ले जाना सख्त मना है। आप उन्हें सामान कक्ष में जमा कराएं। अक्षरधाम परिसर में आप अपने साथ केवल पानी के पारदर्शक बोतल, कमर बेल्ट, मनीप्लांट तथा जरूरी सामान ले जा सकते हैं। अक्षरधाम परिसर में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, शराब आदि किसी भी प्रकार की नशीली चीजें और किसी भी प्रकार के पेय एवं खाद्य पदार्थ ले जाना सख्त मना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुरक्षा जांच अनिवार्य है। कृपया सुरक्षा कर्मियों को सहयोग दें। सभी दर्शनार्थियों से अनुरोध है कि अपने व अपने परिवार की सुरक्षा हेतु अपने मुंह को मास्क से ढककर रखें एवं मंदिर परिसर में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। धन्यवाद। वेलकम टू द स्वामीनारायण अक्षरधाम कल्चरल कॉम्प्लेक्स। ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स कैमरास मोबाइल डाल अनिवार्य है। मामा ये चलता मैकी रख के आई यहाँ को इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर जाएगी ना लग के तो फिर काम मतलब है। यार रास्ता घुमा दिन का ना लाग क्या था मामा। कैसे मोलिया मिले मोलिया अगर जमा करेगा कितना दिन मोबाइल जमा कर सकते हैं। लोगों ने ये अक्षरधाम मंदिर का पूरा व्यू किया। और मामा बताइए आपकी अक्षरधाम मंदिर के अंदर का नज़ारा कैसा रहा, आपको कैसा लगा? आज एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आई हुई थी तो हम लोग पूरा ट्रैवल नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। अच्छा, तो अभी यही बता सकता हूँ कि ओवरऑल रेटिंग अगर देना होगा तो 5 में से 2 स्टार दूंगा मैं। ऐसा क्यों रही जाएगा? हाँ बोले तो क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अंदर का कुछ भी कुछ खास नहीं लगा। नॉर्मल जैसे मंदिर होते हैं, मंदिर में मूर्तियाँ थी बस, और कुछ मुझे विशेष वहाँ पर नहीं देखने। दोस्तों यहाँ स्वामी नारायण की एक मूर्ति, सबसे बड़ी जो मूर्ति है वो स्वामी नारायण की है, जो पता नहीं क्या थे यहाँ के, इसके बारे में तो हमें कुछ डिटेल में पता है नहीं। अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आपको देखने को मिलेगा श्री रामचंद्र की मूर्ति है, महादेव की मूर्ति, शिव जी की,
और तीन चार भगवान की मूर्तियाँ और देखने को मिलेंगी, बट वो बहुत छोटी छोटी हैं। राधा कृष्ण की भी थी, वो छोटी थी। सबसे बड़ी आपको वही श्री स्वामी नारायण भगवान की मूर्ति देखने को मिलेगी। उनका जन्मदिन दिया था, उनका कपड़े, उनके खड़ाव, ये सब भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा यहाँ म्यूजियम भी था, तो म्यूजियम के अंदर हम गए नहीं और उसका 250 चार्ज है। तो फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जाएँ।